ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुनिदा जना। पुनर्जन्म के बारे में चर्चा हो रहा था। एक वैष्णव साधु श्री रामकृष्ण का प्रश्न किया था। वैष्णव महाशय, पुनर्जन्म की होता है महाराज? तो ठाकुर ने गीता का वाणी उल्लेख कर दिया। गीता में कहा है जो जो भाव अवलंबन करते हुए शरीर छुड़ेंगे उसी भाव से उनका पुनर्जन्म होगा। मगध गीता अष्टम अध्याय के षष्ठ श्लोक। यंग यंग भाव जो यंगजम बापी स्मरण भाव त्यक्तत्ते कलेवर तम तम भाव उपैति गौंथिय सदा तद्भाव भाविता। जो भाव लेके शरीर छुड़ेगा उसकी भाव से उनका पुनर्जन्म होगा। इसमें खतरा क्या है वो एक दृष्टांत से ठाकुर ने समझाया। ठाकुर कहते हैं तो ये हमें जो अंतिम समय का भावना उसमें सचेतन होना चाहिए। पूरा टाइम ठीक से खेले हैं, लास्ट मिनट में अगर गोल हो जाए तो हार जाओगे। तो अंतिम समय तक हमें सतर्क होना जरूरी। जो लास्ट रन ऑफ द मैच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी खतरा क्या है, एक उदाहरण से दृष्टांत से बता रहे हैं। भरत राजा वो हरिन को सोचते हुए, हरिन को चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा था। इसी उनका अनुसार उनका हरिन शरीर प्राप्त हुआ, पशु जनी प्राप्त हुआ। इतना चरम मूल्य देना पड़ेगा, तो इसको हल्कापन से ना लिया जाए। हम जानते हैं भरत राजा का उपाख्यान, बहुत प्रसिद्ध उपाख्यान है, इसके नाम से भारतवर्ष हुआ है। अत्यंत प्रभावशाली छत्रपति महाराज थे, जो कि कहा जाता है उस समय में सारे दुनिया के अधीश्वर थे, जिसके नाम से भारतवर्ष हुआ है। एवं जो भरत वंश से ही अर्जुन का गौरव वंश भी है, बार बार कहते भरत ऋषभ। अभी भरत वंशी जी श्रेष्ठ है। अभी राज्य समापनान थे, बहुत सत प्रवृत्ति के राजा थे, तो राज्यभार परवर्ती व्यक्ति को समर्पण करके वानप्रस्थ ले लिया एवं आखिर में अकेले साधन भजन करते रहे, भगवत चिंतन में डूब गए एवं प्रसिद्ध संत बन गए। कुटिया में अकेले रहते थे, साधन भजन करते थे। सुबह शाम एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गया। बहुत इसे संत होते हैं, करुणा एवं दया में उनके हृदय पिघल जाते हैं।
एक दिन स्नान करने के लिए गया नदी में, देखा उसी समय एक हरिन वहाँ पर पहुँचा और प्रसव करते समय गुजर गए। तो एक बच्चा पैदा हुआ, सद्य मातृहारा बच्चा, उनको इसी अवस्था देखकर उनको बहुत दया हुआ, तो बच्चे को उठा के अपना आश्रम में ले आया, सेवा शुश्रूषा किया और वो बच्चा उनका बहुत प्यारा हो गया। और जब जहाँ पर बैठते थे, जहाँ पर साधन भजन करते थे, सर्वदा उसी के बगल में बैठे रहते, अत्यंत प्यारा बच्चा। ऐसी करते करते उनको पाल रहे थे और साधन भजन भी कर रहे थे। तो पशु का जीवन स्वल्पायु होता है मनुष्य के जीवन के जैसे। कुछ साल बाद वो हरिन शावक बड़ा हो गया एवं उसका मृत्यु समय उपस्थित हुआ एवं उनको तो और कोई नहीं था। वो भरत राजा को देखते हुए वो शरीर छोड़ा, वो शरीर नहीं छोड़ा, वो भरत राजा को बहुत प्यारा हो गया। भरत राजा का अभी अंतिम समय आ गया, उसका माँ तो गुजर गए, ये हरि नहीं हो उसको सब कुछ था। तो भरत राजा का जब शरीर छोड़ने का समय हुआ तब देखा जी इनको और कोई नहीं है, अकेले ये हरिणी सबक है, उनको वो निर्भरशील है। भरत राजा के भी कोई नहीं था तो वो सोचते रहे हैं जिनको कौन देखभाल करेगा। ऐसी सोचते हुए और उनको देखते हुए उनका शरीर त्याग हो गया। अर्थात हरिन को चिंतन करते हुए भरत राजा करुणा से शरीर छोड़ा, लेकिन इस कारण के लिए उनको भारी दंड देना पड़ा। सीधा जाके वो हरिन शरीर प्राप्त हुआ कुछ समय बाद, हरिन रूप से बड़ा हुआ। लेकिन जो कहा गया है जो जपा से खपा तो माता से कहता, जो उनका जो साधन भजन है वो कोई व्यर्थ नहीं होगा, वो सब उनका पक्ष में था, रिजर्व में था। तो हरिन शरीर प्राप्त होने के बावजूद उनको याद था कि वे उस संस्कारवान थे, इसलिए बहुत सावधानी से हरिन शरीर हरिन के जीवन बिताया एवं परवर्ती जन्म में जब हुआ तब वो पहले से ही होशियार हो गया, क्योंकि तीन जन्म का अभी याद है। पहले भरत था, फिर उसको हरिन शरीर प्राप्त हुआ, फिर अभी जो जन्म प्राप्त हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, पहले से ही वो सतर्क था एवं वो किसी से बातचीत नहीं करता था, वो महापंडित बन गए एवं उनको लगता था ये महामूर्ख है, ये बातचीत नहीं करता था। बुद्ध उनका सुंदर देह का गठन था लेकिन भगवान के नाम से चिंतन करते थे। तो वहाँ पर एक वन से राजा जा रहे थे, उनको पालकी का जो विहार है वो नहीं था, तो देखा जी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, उसको पकड़ के ले गया पालकी बहन करने, वो कुछ बोला नहीं। जब जा रहे थे तो वो जाते समय कोई प्राणी हिंसा ना हो इसीलिए बहुत स्टेप्स सावधानी से ले रहे थे, उसी से पालकी हिल रहा था। तो राजा ने बहुत तिरस्कार किया पालकी में बैठकर, ये कौन मूर्ख ऐसे चल रहे। तब वो पालकी के बेहरा तो वरत था, तो एकदम संस्कृत में बहुत सुललित भाषा में उत्तर दिया कि ये जीव हिंसा बचाने के लिए इसे किया जा रहा है। तब तो ताज्जुब बन गए, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। तब वो पालकी से उतर कर उनको उपदेश लेके चले। अर्थात ये कहानी घटना बताने का कहानी बताने का मतलब है
कि अंतिम समय का चिंतन सबसे महत्वपूर्ण चिंतन है। जैसे हम सोचेंगे, हम जीवन में कितना भी कर्म किए हो उसी अनुसार गति होगा। तो ये एक साधारण नियम है, जैसे मैं बताया, अच्छा चिंतन करने से अच्छा फल भी होगा। इसलिए कहा जाता है अंतिम समय में सच्चिंतन होना ज़रूरी, और सच्चिंतन के लिए हमें जीवन भर उनका तपस करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। जैसे कि अभी कहा जाता है कि क्या हम किसी के साथ दया सहानुभूति नहीं ज्ञापन करेंगे? ज़रूर किया जाए। संसार में जिसके प्रति जीव कर्तव्य है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी के साथ मोह युक्त तो नहीं होना चाहिए। भजन का मोह हो गया, जो बात ही रहा मन के बारे में कहा जा रहा है। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया है हमारा मानसिक कारण शरीर के साथ स्थूल, मानसिक कारण शरीर के साथ स्थूल शरीर का विच्छेद हो रहा है। तो मन के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मानुष मनति बद्धो मनति मुक्तो, हमारा मन का ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो जीवन में जिसको साथ जिसको जैसे व्यवहार करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, वो ज़रूर किया जाए, लेकिन मन सदैव भगवान के चरण में अर्पण करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो श्री माँ शारदा भी कहा करते थे कि संसार में जिसके प्रति जो कर्तव्य है जरूर करो, लेकिन किसको प्यार मत करो। प्यार एकमात्र भगवान को ही करना है, कारण ईश्वरी बराबर तुम्हारे साथ रहने वाला है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, और बाकी दुनिया तुम्हारा साथ रहेगा नहीं। उसको प्रति प्यार मत किया करो, तब तुम फंस जाओगे। तो ये जो भजन में कहा जाता है, जार जन ने मरो भेबे शिकी तुम्हार संगे जाबे सेई प्रेयसी देवे छड़ा अमंगल हबे बोले। जो संसार में जो जैसे कि होता है, इसके साथ जैसे रिश्ता होता है, हम सोचते हैं बहुत प्यारा है, तो कहा गया है जिसके लिए तुम इतना सोचते हो वो तुम्हारा साथ नहीं जाएगा। वो हरिन भरत राजा का साथ नहीं गया, हरिन को छोड़ के जाना पड़ा। और बल्कि दूसरा कि क्या कहा गया है, जिसको आप इतना प्यारा समझते हो, पत्नी को समझते हो, अभी तुम्हारा जब देहांत हो गया तुम तब भूत बन गया। तब वो भूत क्या है? अस्पृश्य है। भूत को कोई नहीं पसंद करता है, वो एक अमंगल अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए अगर कोई भूत प्रेत आए तो हम लोग क्या करते हैं, गंगा का पानी छिटकाते हैं, मंत्र करते हैं ताकि भूत यहाँ से चले जाए। अगर तुम वापस भी दूसरे शरीर में आओगे, तुम एक अमांगलिक है, तुमको निकालने के लिए नाना प्रकार प्रक्रिया किया जाएगा। तो जिसको लिए तुम अभी सोच रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो अपना, वो तुम्हारे अपना नहीं है, अपना एकमात्र भगवान का ही भगवान ही है। तो जो संसार में हम कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन गलती से हम अपना जो मन सबके साथ जोड़ लेते हैं। मन को नहीं जोड़ना चाहिए, कर्तव्य किया जाए, लेकिन मन एकमात्र भगवान को ही दिया जाए। और इसीलिए भगवद गीता में ही कहा गया है कि क्या करणीय है। इस जो रूल है, सूत्र है, नियम है, इसको हम कैसे जीवन में इस्तेमाल करें ताकि हमारे जीवन में फायदेमंद होगा, ये निर्देश भी भगवद गीता में दिया गया है। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति।
शांति ही। हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है, रविवार भी है और गंगा दशहरा भी है। सुबह से शाम तक रविवार का नियम अनुसार विश्वव्यापी जप यज्ञ चल रहा है, ग्लोबल जप यज्ञ। जो स्थानीय भक्त भी है वो अपना अपना समय पर जप यज्ञ करेंगे और कुछ समय के लिए भगवान के साथ जुड़ते रहेंगे इस जप यज्ञ नेटवर्क के माध्यम से। और 10 बजे जैसे संडे क्लास होता है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, एवं शाम को 5 बजे स्वामी विवेकानंद की जो वाणी अनुसार युवाओं को व्यक्तित्व का विकास, निर्देशित ध्यान इत्यादि और युवा प्रोग्राम होगा। लेकिन संध्या रीति के उपरांत पहले गंगा स्तोत्रम होगा स्वयं पारगणानंद द्वारा, एवं उसके बाद गंगा दशहरा का जो तात्पर्य है, विशेषता है, उसके बारे में एक चर्चा होगी। वो मेरा ही है, वो आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।